आज ये क्या हो रहा है, ये इतनी समझ से परे है। इस तरह तो आप इतना खोप पैदा कर देंगे कि कोई राजनीति कर नहीं पाएगा, जब राजनीति नहीं कर पाएगा तो ब्यूरोक्रेट्स आ भी होंगे और अफसर शाही कहा भी होना हमेशा देश और जनता के लिए नुकसानदायक रहा। हमें डर है कि हमें 5 साल बाद फिर जाना है परीक्षा के लिए। अधिकारियों को कोई डर नहीं है, वो तो भारत सरकार के मेहमान हैं। 36 साल काट के जाएंगे, आफ्टर रिटायरमेंट ही सेवानिवृत्त होंगे। अब कांग्रेस का मुद्दा है अदानी, अब गौतम अदानी का चर्चा ना हो तो इसलिए वो हम लोगों को उलझा करके रखते हैं। आज सुना है अजमेर शरीफ का होगा, परसों प्राण कलियर का होगा, उससे अगले दिन कहीं और का होगा, तो हर स्टेट में एक मिल जाएगा, करते रहे क्या करें। संभल शाही जामा मस्जिद का विवाद अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, संसद में भी इसको लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर सांसद मौजूद है समाजवादी पार्टी से, हरिंद मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक। धन्यवाद हरिंद मलिक जी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि संभल हिंसा का मामला है संसद तक पहुंच गया है, क्या लग रहा है आपको कि वहां पर आप लोगों को सुना नहीं जा रहा है, क्या दिक्कत है? पता नहीं क्यों सरकार सुन नहीं रही। हम अपनी बात कहते, सरकार की मदद करते, सरकार को सही तथ्य मिलते। अब तक सरकार के पास केवल एक तथ्य आया है जो अधिकारियों ने उनको बताया है, और हम लोग बोलते, सत्ता पक्ष के साथी बोलते, हम भी बोलते, सब बोलते, तो उसमें उनको सब और तथ्य मिलते। परीक्षण उन्हें करना था, देखना उन्हें था, इसमें अनावश्यक एक जिद करने का, हम सुनेंगे नहीं, हम सुनेंगे, इससे कोई लाभ नहीं है। खम खा सब पार्लियामेंट का समय जाया करते हैं। मुझे इस पर के पीछे दूसरी बात लगती है, क्या लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे कांग्रेस बचना चाहिए, ये सत्ता पक्ष बचना चाहते हैं। हमारे सामने तो मुद्दा है संभल का, मुद्दा है किसान का, मुद्दा है नौजवान का, रोजगार का। हमारे यहाँ जहाँ मैं ही हूँ, हम सोच के आए थे कि हम NCR से निकलने का मुद्दा उठाएंगे, किसान बर्बाद हो गया ट्रैक्टर में। हम सोच के आए थे कि हमारे यहाँ जो फैल रहे हैं महामारी फैल रही है कैंसर की, उसका मुद्दा उठाएंगे, अस्पताल की मांग करेंगे, बट सब चुप है। अब कांग्रेस का मुद्दा है अदानी, अब गौतम अदानी का चर्चा ना हो तो इसलिए वो हम लोगों को उलझा करके रखते हैं। अच्छा, तो मतलब अडानी का चर्चा ना हो आपको ये लगता है कारण? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। परंतु ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, आप देश के किसी भी एक नागरिक को बाहर नहीं निकाल सकते। और कार्ल मार्क्स बड़े चिंतक हुए, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी राजा अपने देश के नागरिकों से लड़ाई नहीं लड़ सकता। जिस तरह का माहौल बना रहे, हमें समझ नहीं आ रहा कि किसके लिए कर रहे। जब ये देश नहीं बचेगा तो राजनीति कहां बचेगी? आप ऐसे तो नहीं होगा, कल संभल में था, आज सुना है अजमेर शरीफ का होगा, परसों प्राण कलियर का होगा, उससे अगले दिन कहीं और का होगा, तो हर स्टेट में एक मिल जाएगा, करते रहेंगे क्या करें। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मतलब अगर इस तरह से होता रहेगा तो क्या होगा, जिस तरह से संभल में हिंसा हुई तो आगे भी अगर इस तरह से हिंसाएं होती रही तो फिर माहौल बिगड़ेगा आपको लगता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी और समाजवादी साथी तोड़ फोड़ के और हिंसा के विरुद्ध है। हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। हम लोग तो उनमें से हैं, ना भागेंगे ना मारेंगे। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी यही कहा करते थे, चौचरण सिंह भी यही कहते थे कि तोड़ फोड़ करके राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान करना है। तो हम लोग तोड़फोड़ के और हिंसा के पक्षधर कतई नहीं है। परंतु अगर सरकार खुद करारी हो तो उसमें कोई क्या कर सकता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो पहले, सबसे पहले तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, फिर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये तो इन्हीं को पालन करना था इसका। अब ये जो हुआ है और जो संभल में हुआ, ये तो टोटली योजनाबद्ध तरीके से लग रहा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, तो लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि ये सपा की साजिश है। इवन हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि इन लोगों के पास साक्ष्य नहीं है, इसलिए इन्होंने हिंसा का सहारा लिया। अच्छा, एक बात बताओ, क्या DMSP हमारे हैं? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सपा की है? अगर वो ऐसा मानते हो, छोड़िए कानून व्यवस्था, हम प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे। नहीं कहा एक भी तोड़फोड़ होने की।
पर कानून व्यवस्था तो अधिकारी करेंगे ना, ठीक सिस्टम है, सिस्टम तो आप बैठाओगे, आप राज नहीं कर सकते, राज हमें सौंप दो, हमारी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ये बेकार की बात करते हैं। अब संभल का उदाहरण लीजिए, 19 तारीख को एक रिट फाइल होती है जी। तत्काल ऑनरेबल कोर्ट जिसे चैलेंज नहीं किया जाता, जिसकी आलोचना नहीं की जाती, एक निर्णय दे देती है कि इस पे एक कमीशन अपॉइंट करे और वो भारत सरकार जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे वकील जाएंगे, जा करके वो सर्वे करेंगे। वहां देर रात तक सर्वे हुआ, सर्वे संपादित करने के बाद, संपन्न करने के बाद टीम वहां से चली आती है। 20 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 21 में कुछ नहीं हुआ, 22 में कुछ नहीं हुआ, 23 में कुछ नहीं हुआ। इट मीन्स वी कैन से के माननीय न्यायालय के आदेश का पालन हो चुका था। 23 तारीख की शाम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फोन करता है लोकल ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट को कि आप तत्काल, हम सुबह 7 बजे आ रहे हैं, दोबारा सर्वे करेंगे। वो पूछते हैं, जैसा मुझे उन्होंने ही बताया, उन्होंने पूछा, जानना चाहा कि क्या अब किस अदालत का आदेश है, तो उस पर डीएम चुप हो जाते हैं। विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ एनी ऑनरेबल कोर्ट वो वहां जाते हैं, मुंह के साथ जाते हैं, नारेबाजी के साथ जाते हैं और सुबह 7:30 बजे जाते हैं। 7:30 बजे आप घर से बाहर नहीं निकलते और वो जाकर के वहां नारे बोलते हुए जाते हैं, जैसा लोग बताते हैं। मैं कोई आई विटनेस तो हूं नहीं, कह रहे हैं कि वो जाते हुए नहीं बल्कि आते हुए, मतलब अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अदालत के आदेश का पालन हो गया, फिर उन्होंने अदालत में दोबारा जाने का प्रयास क्यों नहीं किया? उनका था कि ये सर्वे बच गया है इसलिए अगले 14 तारीख को गए। यू आर हु? आपने 4 दिन क्या करा? आपने अदालत को जब कमीशन गा, देखो मैं भी थोड़ा जानकार रखता हूँ, कमीशन गा होगा, शाम को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी होगी ऑनरेबल कोर्ट को, उसमें कहा होगा सर्वे हो गया या नहीं हो गया। अगर सर्वे नहीं पूरा हुआ था तो ये अदालत में आ जाते के कोर्ट से आदेश करते कि ऑनरेबल कोर्ट, हम लोग सर्वे को गए थे, सर्वे अपूर्ण है, अब दोबारा इजाजत दीजिए हम सर्वे को जा सके। पहले भी तो ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर पे गए थे, उसको फॉलो करना चाहिए, दोबारा सर्वे के लिए दोबारा कोर्ट जाना चाहिए। और दूसरा एक बात बताऊं, हम लोगों की एक समस्या, हम कहीं विदेश से नहीं लड़ रहे, हमारी लड़ाई चाइना, बांग्लादेश या पाकिस्तान से नहीं है, आप देश के देश में नागरिकों के साथ ऐसा कर रहे हैं। हमें ये भी कहना चाहिए था कि भाई आप दिवाली हो, होली हो, गंगा स्नान हो, दशहरा हो, यात्रा हो, कीर्तन हो, कोई प्रकाश पर्व हो, क्रिसमस हो, जिन जिलों में क्रिश्चियंस रहते हैं, या ईद बकरा ईद हो, शुभ बैरात हो, आप संभ्रांत लोगों की मीटिंग बुलाते हैं और जिसे कहते हैं शांति समिति की बैठक। ऐसा इससे पहले इतना बड़ा इशू था, उस इशू को देखने पहले संभावनाएं थी कि तनाव फैलेगा, आप बुला करके बैठ कर लोगों को विश्वास में ले लेते हैं। फिर दूसरा जो स्पेशल वर्सिप एक्ट है 1991 का, उसके तहत यह है कि 15 अगस्त 1947 के पहले की स्थिति को नहीं बदला जाएगा। तो क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का दायित्व नहीं था कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने वो भी सबमिट करते कि मिलोर्ड इट्स द एक्ट, और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट पर छोड़ते, ऊपर क्या इजाजत देते, क्या आदेश करते? देखिए कोई सा भी कोर्ट हो, वो तथ्य के आधार पर, एविडेंस के आधार पर डिसीजन लेता है। जब आपने तथ्य ही नहीं प्रस्तुत किए, तो मैं बड़ा मजबूती के साथ कह रहा हूँ कि ये सुनियोजित था। तो कह रहे हैं एएसआई का हमारे पास सर्वे है, शास्त्र ग्रंथ में लिखा हुआ है, बाबरनामा, अकबरनामा, पूरी याचिका में सब कुछ लिख के कोर्ट को दिया है। अभी आप गए कहने के दूसरा पक्ष जो है उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, वो कोर्ट नहीं गए, उन्होंने लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं किया। आप ये शायद भूल गए, अभी पीछे एक बयान आया था कि इस पार्लियामेंट ये वफ की है, पार्लियामेंट वफ में है, अच्छा आया नहीं था बयान। तो ये एक जो एक अंतहीन विवाद समाप्त करने के उद्देश्य से 1991 में ये बिल आया होगा, मैं तो उस समय एमएलए था, एमपी नहीं था, पर वो बिल आया होगा कि 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी वो डेडलाइन कर दी थी
कि इसके बाद की किसी, इससे पहले की किसी उसको बदला नहीं जाए। मेरा ये मानना है कि जानबूझकर के उत्तेजना फैलाई गई, लोग उत्तेजित हुए, जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे मैं आज भी मानता हूं, और अब जो हो रहा है और भी दुर्भाग्यपूर्ण है, अब और भी ज्यादा गलत हो रहा है। आप जो अकस्मात घटना होगी थी, हम मान लेते पहले दिन बवाल हो जाता, उसी समुदाय ने पहले दिन 19 में सर्वे करने दिया, और आप बिलीव करें सर्वे देर रात तक चला, जबकि केवल डे लाइट में चलता है, देर रात तक चला कि भाई एक दिन की परमिशन हमारे देर रात तक करना है, किसी ने विरोध नहीं किया। और फिर ये नारे बोल के जाएंगे तो मुझे ऐसा बताया, मैं फिर कह रहा कि मैं आई विटनेस नहीं हूं, पर मुझे ऐसा बताया कि लोगों में ये प्रचार किया गया, ये अफवाह फैलाई गई कि आज मस्जिद पर पजेशन लेने की तैयारी है। सर्वे पहले में ये साबित हो गया कि यहां मंदिर है। खैर अब पता नहीं ये सही है या गलत है, तो फैली है, किसने फैलाई, कैसे फैली, हालांकि ये तो हमें भी नहीं पता, ये हमें पता नहीं जी। पर जिस तरह का मामला चला, एमएलए के बेटे को नामजद कर दो, मेंबर पार्लियामेंट को नामजद कर दो जो वहां था भी नहीं, आप इस तरह अगर ये गलत परंपरा घेरेंगे तो आज तुम्हारा है कल हमारा है। हमने तो सारी उम्र अपोजिशन में बिताया, और हमने तो वो दिन भी देखे कि अपोजिशन के एमएलए को, एमपी को बहुत सरकार उससे देखते थे। इन्हीं की पार्टी के एक नेता का नाम झूठा लिखवा दिया था स्थानीय लोगों ने, कोसी कला में एक बबाल हो गया था मथुरा में, और अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा था अपने पुत्र को कि अखिलेश मैं लक्ष्मी को जानता हूं, लक्ष्मी नारायण चौधरी कोमंडल नहीं हो सकता, मेरे साथ रहा है वो, और नाम निकल गया था। जबकि लक्ष्मी नारायण चौधरी मेरा मित्र है, वो कहीं सिफारिश को नहीं गया था, और इत्तफाक ये था कि मैं भी उस दिन उसके घर ही बैठा था, मैं कहीं आगरा या कहीं गया था, तो वापसी मैंने फोन कर लिया, उसने कहा मैं कोसी बैठा, मैं चला गया, बैठे घंटों दो घंटे बैठे रहे तो तभी हुआ। तो उन्होंने अपने आप, हालांकि हमारी पार्टी के अंदर भी लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे भाई नाम फंसाओ फंसाओ, उनका भाई एमएलसी था, उसका बेचारे का उसका भी नाम था, और आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कह दिया था कि ये लोग कोमनल नहीं हो सकते। तिवारी जी को मैंने देखा, वीर बहादुर जी को देखा, इवन कल्याण सिंह जी को देखा, अटल जी कभी किसी से, अटल जी का वो बयान याद है, अटल जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि ये कहना बेईमानी होगी कि पिछले 50 साल में देश ने कोई तरक्की नहीं की, वो बड़े मन के लोग। आज ये क्या हो रहा है, ये समझ से परे है। इस तरह तो आप इतना खोप पैदा कर देंगे कि कोई राजनीति कर नहीं पाएगा, जब राजनीति नहीं करना पाएगा तो ब्यूरोक्रेट साबी होंगे, और अफसर शाही कहा भी होना हमेशा देश और जनता के लिए नुकसानदायक रहा है। हमें डर है कि हमें 5 साल बाद फिर जाना है परीक्षा के लिए, अधिकारियों को डर नहीं है, वो तो भारत सरकार के मेहमान है, 36 साल काट के जाएंगे, आफ्टर रिटायरमेंट ही सेवानिवृत्त होंगे। हम लोगों के मालिक बहुत हैं, उनका मालिक एक है, उनका इमीडिएट बॉस, तो हम ज्यादा डरते हैं, वो कम डरते हैं। तो ऐसी स्थिति में गलत परंपरा डाल रहे हैं आदरणीय मोदी जी, आपको लगता है मतलब ये चीज रोकनी चाहिए, ये रोकनी चाहिए कुछ थोड़ा सा। देखो एक बात, आप ये मान लिया पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और इनके भाजपा के एमपी पर लगाने लगे केस, एमएलए पर लगाने लगे, केस में क्या है भाई, आप एक थानेदार को बुलाओ, ये मेरा आदमी एक रिपोर्ट दर्ज करेगा, ये गवाहें लिख दे एफआईआर, वो एफआईआर लिख देगा, गवाह गवाही दे देंगे, वो चार्जशीट चली जाएगी, कोर्ट में जा करके गवाही देंगे, कोर्ट को तो एविडेंस चाहिए, ऑनरेबल कोर्ट को, वो सजा हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये ऐसी गलत परंपरा क्यों घेर रहे हैं,
तो ये बहुत गलत परंपरा है। ये राजनीति खत्म हो जाएगी। पॉलिटिकल सिस्टम को क्वेश्चन करने का इनका प्रयास है। संविधान को क्वेश्चन करना चाहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को क्वेश्चन करना चाहते हैं। ये बड़ी अजीब और विकट परिस्थिति है। चलिए खैर, देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है। फिलहाल बहुत बहुत आपका धन्यवाद और संभल हिंसा पर इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। तो आप थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरिंद्र मलिक जी, जिनसे हमने संभल हिंसा को लेकर बातचीत की है। तो कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि जो संभल हिंसा की जो घटना है, ये पहले से एक सुनियोजित साजिश है और इसे रोका जाना चाहिए, नहीं तो आने वाला भविष्य ठीक नहीं होगा और कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर पैदा होगा। यूपी तक के लिए दिल्ली से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।